देखिए, जब से कांग्रेस का शासन यहाँ पर बना है और यहाँ से डीडवाना में कांग्रेस के विधायक बने हैं, तो भ्रष्टाचार की खबरें कोई डीडवाना के लिए नई नहीं है। यहाँ पर शुरू से जब से विधायक जी आए हैं, कांग्रेस द्वारा शासन द्वारा भ्रष्टाचार की खबरें चाहे नगर पालिका हो, चाहे पंचायत समिति हो, सब जगह आपके माध्यम से भी हमने बार बार प्रशासन को अवगत भी कराया है, लेकिन प्रशासन ने न कभी ध्यान दिया, न कभी विधायक जी ने ध्यान दिया। अब जब इनका खुद का ही कुनबा टूटने लग गया, तब जाकर विधायक जी को ऐसा लगना चाहिए कि हमें भ्रष्टाचार पर रोक लगानी चाहिए, क्योंकि इनके खुद के उप प्रधान स्वयं MLA साहब पर और व्यवस्था पर भ्रष्टाचार का प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। साथ ही हमें तो ये तक खबरें मिल रही है कि चाहे डीडवाना पंचायत समिति के प्रधान हो, चाहे मौलासर पंचायत समिति के प्रधान हो, उनके कार्यों में पूरी दखलता विधायक जी और इनके आदमियों द्वारा की जाती है। न तो उनको स्वतंत्र रूप से काम करने दिया जाता है, न कोई योजना जो उनको लागू करनी है या उनको जो पंचायतों के कामों का बंटवारा करना है, उनके पास किसी प्रकार का अधिकार नहीं है। सब पर विधायक जी और उनके आदमी कुंडली मार कर बैठे हैं और डीडवाना पंचायत समिति और मौलासर पंचायत समिति पूरी अखंड रूप से भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। और जब खुद इनके आदमी विधायक जी पर आरोप लगाते हैं, तब कोई बाकी नहीं रह जाता। और बाकी खबरें तो आप डीडवाना में देख ही रहे हैं, बस सरकारी ज़मीनों पर चाहे कब्जे की बातें हो, चाहे डीडवाना नगर पालिका में भ्रष्टाचार की बात हो, डीडवाना का खुद का चेयरमैन अपने आप को ऐसे जो ऐसा ही महसूस करता है, जिसका भी एक दो दिन पहले हमारे यहाँ सार्वजनिक रूप से ऑडियो वायरल हुआ था। तो इस प्रकार से ये लोकतंत्र में बातें ठीक नहीं हैं और कम से कम इस भ्रष्टाचार पर रोक लगनी चाहिए। और विधायक जी को स्वयं भी समझना चाहिए कि जब उनका 4 साल का कार्यकाल पूरा का पूरा भ्रष्टाचार में गुजर गया, तो कम से कम प्रशासनिक स्तर पर इस चीज़ की लगाम लगाएं और प्रशासन को भी रोकें और अपने आदमियों को भी रोकें। जिस तरह से भूमाफियों का यहाँ पर बोलबाला बढ़ रहा है, उस पर लगाम लगानी चाहिए। स्वस्थ लोकतंत्र में यही सबसे बात अच्छी रहती है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा किसान सम्मेलन का हाल ही में आयोजन किया गया था, उसके बाद भी विधायक जी का बयान आया था, क्या कहना चाहेंगे उनके बयान? देखिए, विधायक जी का बयान आने से कुछ नहीं। हमारे डीडवाना में जब मूंग की फसल खराब हुई थी, तो यहाँ के जो प्रशासन द्वारा रिपोर्ट जो तहसीलदार द्वारा बनाई गई थी, वो जगजाई रिपोर्ट है और विधायक जी स्वयं अगर देखना चाहे तो देख सकते हैं, उसमें 0% खराबा लिखा था। जबकि हमें पूरे किसानों को, डीडवाना के लोगों को ये पता है कि सबके मूंग खराब हुए थे, फसलें खराब हुई थी, एक ही पैसा उनको मुआवजे का नहीं मिला था। अब वो 27 करोड़ का हिसाब कहाँ से मुआवजे का दे रहे हैं, मुझे तो इस चीज़ का पता नहीं।